ये बोलता है, एक बच्चा फादरलेस हो गया। स्वरूप सरकार उन लोगों में से एक हैं जिन पर 498A का केस लगा। उन्होंने बहुत सारी परेशानियां भी सही, लेकिन वो आखिरकार बेकसूर साबित हो गए। अब स्वरूप का मकसद है अपने जैसे दूसरे लोगों की मदद करना। वो हर शनिवार शाम आपको दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मीटिंग करते और दूसरों को सलाह देते नजर आ जाएंगे। स्वरूप, क्या 498A के खिलाफ लड़ाई ही अब जिंदगी का मकसद बन गई है? इसको मैं लड़ाई नहीं मानता हूँ, इसको मैं इस तरीके से पेश करना चाहता हूँ। हमारा कंट्री में एक एनिमल के लिए प्रोटेक्शन है, राइट्स है। हस्बैंड के साथ आप जस्टिस मत दीजिए, लेकिन इनजस्टिस तो मत कीजिए। स्वयं फाइटिंग। आपकी तो लव मैरिज हुई थी। शी वॉज माई ड्रीम गर्ल। आपने खुद क्या क्या सहा अपनी जिंदगी में इस शिकायत की वजह से? मैं टाटा ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट इंजीनियर हुआ करते थे। 3 बार जॉब लूज कर चुका हूँ मैं। जो मकान में मैं रहता हूँ उसको जैसे ही पता चलते हैं, एक नया एप्लीकेशन कोर्ट में पढ़ते हैं, पुलिस इंक्वायरी के लिए पहुँच जाते हैं, मकान मालिक बोलते हैं हम ये झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप दूसरा मकान ले लीजिए। आप डिप्रेशन का भी शिकार हो चुके हैं। आई वाज सपोज्ड टू सुसाइड। क्या ऐसा हुआ कि आप कह रहे हैं कि सुसाइड करने की नौबत तक आ गई थी? अपने कुछ क्राइम क्या है तो आपको तो पता है। यस, मैंने क्राइम किया है तो आज कुछ इसमें साझा काम हो और मोड पे चले जाते हैं। लेकिन जब आपने कुछ क्राइम किया ही नहीं है और आपको ही प्रूफ करना है कि एक क्राइम मैंने नहीं किया है, उस टाइम ही बिकेम हेल्पलेस। उस टाइम क्या होता है, उसको चाहिए होता है एक मोरल सपोर्ट। वो जब नहीं मिलते हैं, ही थिंक्स फॉर एंडिंग हिज लाइफ। आपने अपने बेटे का चेहरा अभी तक नहीं देखा है, क्यों? मैंने 2 साल कोर्ट में फाइट किया